इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। हैदराबाद भारत के सबसे आधुनिक शहरों में से एक ये शहर एक समय भारत की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासतों में से एक हुआ करता था। हैदराबाद के निजाम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी बेशुमार दौलत के लिए प्रसिद्ध थे। आइए जानते हैं हैदराबाद रियासत की कहानी। भारत की 300 रियासतों में से सबसे अगर फेमस कोई रियासत है तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम और उनकी बेशुमार दौलत की कहानियां भारत का ऑलमोस्ट बच्चा बच्चा जानता है। हैदराबाद के आसफ जाही राज परिवार की कहानी एक वीडियो में बताई नहीं जा सकती। उनका भारत के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है 18वीं शताब्दी से। पर हम एक बात कर सकते हैं कि जो भारत के इतिहास में आसफ जाही परिवार का महत्व और हैदराबाद रियासत का एक कॉन्टेक्स्ट हम दें। हैदराबाद जो है उसका इतिहास तो बहुत पुराना है। यहाँ पर जो तेलंगाना है वहाँ पर काकातिया और उसमें से बहुत महत्वपूर्ण शासक थी रानी रुद्रम्मा देवी, जो काकातिया राजवंश का राज था, जो वारंगल से राज करते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, बहामनी सुल्तान आए, कुतुबशाही राज परिवार का यहाँ पर राज हुआ जो गोलकोंडा के किले में राज करते थे, और कुतुबशाही काल में ही हैदराबाद शहर का निर्माण हुआ। अब तेलंगाना है और कुतुबशाही किंगडम है, ये उस समय ये 13वीं 14वीं अर्ली 15वीं शताब्दी की बात है, दुनिया भर में फेमस था अपने हीरों के लिए, जिसे गोलकोंडा डायमंड्स या गोलकोंडा हीरे कहा जाता था। ये कृष्णा नदी के तट पर मिलती थी और उस समय दुनिया के बेस्ट डायमंड्स यहाँ के माने जाते थे। अब हीरो की वजह से और व्यापार की वजह से गोलकोंडा दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक उस समय बन गया था। और गोलकोंडा और कुतुबशाही साम्राज्य की इसी बेशुमार दौलत से अट्रैक्ट होकर ही मुगलों ने यहाँ पर कई हमले किए। 1698 में बादशाह औरंगजेब ने बहुत बड़ी फौज लेकर एक बड़ा हमला किया था गोलकोंडा और हैदराबाद पर, जो आखिरी हमला था जिसके बाद कुतुबशाही राज्य खत्म हो गया। इस हमले के दौरान जो मुगल सिपह सालार थे वो थे गाजी उद्दीन फिरोज जंग। गाजी उद्दीन फिरोज जंग का परिवार बुखारा से आया था और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्री रहे थे इस परिवार के। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इस गाजी उद्दीन फिरोज जंग के ही वंशज आगे चलकर 1947 तक हैदराबाद पर राज करेंगे, बट एसोसिएशन इस परिवार का जो निज़ाम परिवार है उसका गाजी उद्दीन फिरोज जंग और इस सीज ऑफ गोलकोंडा ऑफ 1698 में ही शुरुआत हुई। आगे चलकर गाजी उद्दीन फिरोज जंग दिल्ली में जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक मंत्री थे, वहाँ पर उन्होंने एक मदरसा बनाया था जिसे गाजी उद्दीन मदरसा कहा जाता है, जो आगे चल के दिल्ली कॉलेज और आज उसका करंट अवतार है जाकिर हुसैन कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उनका एक मदरसा बना था। तो गाजी उद्दीन फिरोज जंग द फर्स्ट के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था मीर कमरुद्दीन खान, जो आगे चलकर हैदराबाद के निज़ाम और आसफ जाही डिनेस्टी के संस्थापक बने और हैदराबाद के पहले निज़ाम बने। मीर कमरुद्दीन खान बहुत ही केपेबल सोल्जर थे और काफ़ी चतुर थे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने उनके बारे में लिखा है ही वॉज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, मतलब लोमड़ी की तरह शातिर थे, और आगे चलकर यही गुण उनके काम आया। वो बादशाह औरंगज़ेब के काल में उन्होंने कई पोजीशंस मुग़ल सेना में और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने संभाले। सन 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के निधन के बाद मुग़ल साम्राज्य टूटने लगा और दिल्ली में एक अलग ही माहौल बन गया। एक अनलाइक पहले औरंगज़ेब के वक्त जब एक डिसिप्लिन था, एक ये था, उसके बाद एक काफ़ी अय्याशी का, एक रंगीनियत का माहौल
बनने लगा दिल्ली दरबार में, जो मीर कमरुद्दीन खान को पसंद नहीं था। उन्होंने जो फर्रुखशियार करके जो मुग़ल बादशाह थे उनका उनका साथ दिया, जो सैयद ब्रदर्स करके दो भाई थे जो दिल्ली की तख्त पर काफ़ी अपना कंट्रोल जमाए हुए थे एज मिनिस्टर्स, उनका साथ दिया। आगे चल के जब मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान के बादशाह बने, तब मीर कमरुद्दीन को वज़ीर-ए-आज़म मुग़ल साम्राज्य का बनाया गया। पर मीर कमरुद्दीन जो थे वो एक पुराने टाइप के दरबारी थे, औरंगज़ेब के समय के दरबारी थे, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। और मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त का दिल्ली एक अय्याशी वाला, एक नाच गाने वाला जो एक माहौल उस समय दिल्ली दरबार में बना हुआ था, वो उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्हें यही ठीक लगा कि वो दक्कन की सूबेदारी स्वीकार करे और दक्कन में चले जाए। तो 1724 में उन्होंने दक्कन की सूबेदारी संभाली और वो दक्षिण में औरंगाबाद अपना पद संभालने के लिए आ गए। उस समय जो सूबा दक्कन है वो मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था, जो नर्मदा नदी से शुरू होता था और साउथ में जो तमिलनाडु में ट्रिची है वहाँ तक वो फैला हुआ था। ऑलमोस्ट एंटायर, जिसे हम कह सकते हैं उड़ीसा और गुजरात को छोड़ के, प्रैक्टिकली एंटायर जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कवर करता था। और उस समय जो दक्कन की राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में उन्होंने अपना पदभार संभाला। बाद में उनके दिल्ली दरबार के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, पर आगे चल के क्या हुआ, दिल्ली का जो दरबार है वो इतना वीक हो गया कि वो ऑलमोस्ट एक सेमी इंडिपेंडेंट रूलर ही बन गए अपनी तरफ से, पर उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को कभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया। मीर कमरुद्दीन खान और आसफ जाही डिनेस्टी को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब 1720s में मीर कमरुद्दीन खान औरंगाबाद आए दक्कन की सूबेदारी को संभालने, तब वो अपने स्पिरिचुअल गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी से मिलने गए, जिनकी दरगाह है औरंगाबाद में। तो ये कहना है कि जो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी थे, उन्होंने द फर्स्ट निज़ाम को एक येलो कपड़े में लपेटकर एक कुलचे दिए और उसमें से 7 कुलचे द फर्स्ट निज़ाम ने खाए। और तब द सूफी संत जो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी 7 पुश्तें हैदराबाद पर एज निज़ाम राज करेंगी। और इसी कहानी को आगे चल के वो एक इतना फेमस एक प्रोफेसी या एक कहानी बन गई कि अगर आप देखें तो हैदराबाद स्टेट फ्लैग हो, हैदराबाद का जो क्रेस्ट हो, यहाँ तक कि जो हैदराबाद पुलिस की जो यूनिफॉर्म्स थी उस पर जो बैजेस लगते थे, उस सब में वो एक कुलचा आप देख सकते हैं। तो इनफैक्ट भारत की जो रियासतें थी उनकी जितने भी झंडे हैं उसमें हैदराबाद का झंडा बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उस पर एक कुलचा बना हुआ है। अब यू नो कुछ इतिहासकार इस स्टोरी को रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो जो गोल आप हैदराबाद के फ्लैग पर देख रहे हो वो एक चंद्र है, बिकॉज कमरुद्दीन, कमर का मतलब है मून। पर ये जो कहानी है कि हैदराबाद के फ्लैग पर एक कुलचा बना हुआ है, ये जो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम है मीर उस्मान अली खान, उन्होंने खुद मानी थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी हुई। अगर मीर कमरुद्दीन खान जो फर्स्ट निज़ाम थे उनकी सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो वो है पुणे के पेशवा बाजीराव के साथ। अब इस समय पेशवा बाजीराव बहुत ही यंग थे, बट he was the greatest general in India at this time. और अगर मराठों को अपनी सत्ता और अपना राज्य बढ़ाना था तो दक्कन के मुग़ल सूबेदार के साथ उन्हें लड़ाई करनी ही थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अहमदनगर और बीजापुर और काफ़ी जो महाराष्ट्र का भाग है वो उस समय निज़ाम के कंट्रोल में ही था। और जो निज़ाम है उनकी कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुई
पेशवा बाजीराव के साथ, उसके बाद पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहेब उनके साथ। पर जैसे हमने कहा कि क्योंकि द फर्स्ट निज़ाम एक यू नो वाज एज कनिंग एज अ फॉक्स, उनकी शातिर दिमाग और एक स्किल की वजह से ही कुड ऑलवेज आउट मनूवर द मराठास, कि मराठास लड़ाई में जीत जाते थे बट नेगोसिएशंस में वो किसी तरह अपना जो फर्स्ट निज़ाम है वो अपना दामन छुड़वा लेते थे। 1748 में द फर्स्ट निज़ाम आसफ जाह वान का निधन हो गया और उन्हें खुल्दाबाद में उनके जो मेंटोर है औरंगज़ेब उनके कब्र के पास उन्हें दफनाया गया। इंटरेस्टिंगली इस समय निज़ाम की फर्स्ट राजधानी थी औरंगाबाद और यहीं से वो राज करते थे। निज़ाम फर्स्ट के निधन के बाद जो एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ उनके बेटों और पोतों में, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये दोनों जो ताकतें हैं पांडिचेरी में और मद्रास में जमा थी और वो भारत पर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी। तो ये जो कैंडिडेट्स थे, नसीर जंग हो या मुजफ्फर जंग हो, निज़ाम के बेटे और पोते, जो कुछ थे वो फ्रेंच के पास गए, कुछ थे वो अंग्रेज़ों के पास गए, लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। एक समय ऐसा था कि जो फ्रेंच सपोर्टेड सेना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, उन्होंने हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया था और चार मीनार पर फ्रेंच लोगों ने अपने गन्स चढ़ाए थे हैदराबाद सिटी पे पॉइंट करते हुए। तो इस तरह से एक समय ऐसा था। फिर पासा पलट गया, फिर ब्रिटिशों के पाले में चला गया और यू नो खून हुए, मर्डर्स हुए, इंट्रीग्स हुए और ये सब करके सालाबत जंग निज़ाम बने। उन्हें ऑफिशियली निज़ाम नहीं माना जाता है पर सालाबत जंग जीते और सालाबत जंग ने औरंगाबाद से लेकर हैदराबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की। इसका ये कारण था क्योंकि औरंगाबाद है वो जो मराठी स्पीकिंग एरियाज़ में है, पूना से पास में है और मराठों के अटैक्स हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर हम हैदराबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट करें तो वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डेट हमें मिलेगा। पर सलाबत जंग को भी बहुत ही जल्दी गद्दी से हटना पड़ा और फिर निज़ाम अली खान करके जो उनके कज़िन थे वो गद्दी पर बैठे और निज़ाम अली खान को ही आसफ जाह द सेकंड और हैदराबाद के सेकंड निज़ाम माना जाता है। जो निज़ाम अली खान है उन्होंने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की बहुत मदद की, मराठों के ख़िलाफ़ मदद की और जो अंग्रेज़ और हैदराबाद का जो एक क्लोज़ रिश्ता था वो बहुत उस समय स्ट्रॉन्ग हुआ। आगे चल के जो उनके सक्सेसर थे वो थे नवाब सिकंदर अली खान और नवाब सिकंदर अली खान के दौरान ही 1798 में एक सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में, एज पर विच उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द सेना, हैदराबाद ने अपनी सेना डिसबैंड कर दी और जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो हैदराबाद के रक्षक बन गए और निज़ाम के रक्षक बन गए। उस समय एक बात ये हुई कि एक कॉन्टिंजेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स हैदराबाद में स्टेशन किए जाएंगे जो निज़ाम और हैदराबाद राज की रक्षा करेंगे। अब ये लोग तो हैदराबाद मेन सिटी में आप एक इतनी बड़ी अंग्रेज़ फौज को रखेंगे नहीं, तो हुसैन सागर के दूसरे साइड पर अंग्रेज़ों को एक जगह दी गई जहाँ पे उन्होंने अपना कंटोनमेंट और एक अपना मिलिट्री स्टेशन बनाया जिसका नाम सिकंदर अली खान के नाम पर सिकंदराबाद रखा गया। और सिकंदराबाद जो था वो इवन दो हैदराबाद से बिल्कुल लग के है, हैदराबाद रियासत के बिल्कुल बीचों बीच है, कभी भी निज़ाम के अंडर नहीं आया, वो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य का ही यहाँ पर जुरिसडिक्शन यहाँ पर सिकंदराबाद में चलता था। आगे चल के आसफ जाह फोर्थ हुए, फिफ्थ हुए, पर उस समय 1800 और 1850s के बीच में हैदराबाद एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेट था। यहाँ पे छोटे 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 ज़मींदार और जागीरदार हुआ करते थे। अफ़गानिस्तान और अरेबिया से यहाँ पर साहूकार आकर बसे हुए थे और एक बहुत ही एक डिसऑर्गेनाइज्ड बदहाली का माहौल था हैदराबाद में। 1853 में एक 23 साल का लड़का हैदराबाद का प्राइम मिनिस्टर बना जिसने पूरे हैदराबाद रियासत की काया ही पलट थी। ये था सालार जंग द फर्स्ट।
आज हम सालार जंग की जब बात करते हैं तो सालार जंग म्यूजियम की बात करते हैं और जो तीसरे सालार जंग है उनकी बात करते हैं। पर ये सालार जंग द फर्स्ट, ये 23 साल के लड़के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये इस फेमस सालार जंग म्यूजियम वाले सालार जंग के दादा थे। और जब सालार जंग ने हैदराबाद का कार्यकाल संभाला तो उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, एक मॉडर्न हैदराबाद का निर्माण उन्होंने किया। उस समय एक टर्म यूज होता था हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे कहा जाता है मुगलिया। तो एक लीड बैक जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम 16th और 17th सेंचुरीज में चलता था, उसी तरह से चल रहा था। तो सालार जंग द फर्स्ट ने ये पूरा सब चेंज किया, जो मॉडर्न हम बोल सकते हैं यूरोपियन स्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन स्टाइल रेवेन्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किए, जुडिशरी, एक जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने बदल दिया। लॉ हो या अभी लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस हो, हर एस्पेक्ट जो हैदराबाद का था वहाँ पर उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने चेंजेस उन्होंने किए। और एक बात, 1857 में जब देश भर में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो हैदराबाद के भी कई इलाकों में जो अफगान्स और बाकी जो जगहें थी वहाँ पर भी छोटे छोटे विद्रोह हुए, बट निज़ाम और सालार जंग द फर्स्ट ने मिलकर इन सबको दबा दिया। और पहले की तरह वो जो द पिलर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हम बोल सकते हैं, तो हैदराबाद और हैदराबाद के निज़ाम जो ब्रिटिश साम्राज्य है भारत का, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर बने। 1866 में महबूब अली पाशा बहुत कम उम्र में हैदराबाद के निज़ाम बने। उस समय सारा कारभार उनके जो रीजेंट थे सालार जंग वही संभालते थे। पर आगे चल के जो महबूब अली पाशा है वो उन्होंने अपना जैसे ही गद्दी संभाली और अपना राजपाट संभाला तो उनका राज बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अगर आप हमें पूछे तो भारत के जो जितने भी नवाब और प्रिंसेस थे उसमें से सबसे रोमांटिक, फिल्मी, एक लार्जर देन लाइफ हीरो जैसे कैरेक्टर थे महबूब अली पाशा। और उनकी जो उनसे जुड़ी अनगिनत कहानियां हैं कि वो कैसे भेस बदल कर हैदराबाद के बाज़ारों में जाते थे, गरीबों की मदद करते थे। उनके काल से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि 30 मार खान कहलाए जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इसका कारण ये था कि जो हैदराबाद के जो जंगल थे वहाँ पे बहुत शेर हुआ करते थे और वो यू नो गांव वालों को बहुत तंग करते थे और बच्चों को उठा के लेके जाया करते थे। तो महबूब अली पाशा ने अपने काल में 30 शेर मारे थे और उसकी वजह से उन्हें 30 मार खान करके एक नाम पड़ा था और उसी से ये जो कॉन्सेप्ट है 30 मार खान, तो उसी वजह से ये पॉपुलर हुआ है। और एक बात है कि जो फेमस जेकब हीरा है, जो भारत के सबसे फेमस हीरो में से एक है, वो महबूब अली पाशा के वक्त ही उन्होंने अक्वायर किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो हीरे जवाहरात या कोई भी चीज़ खरीदते थे तो कोई प्राइस नहीं देखते थे, वो उनके सामने आता था और वो सिर्फ एक वर्ड बोलते थे, आइदर पसंद या नापसंद। और अगर वो पसंद वो बोले तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस वो चीज़ उनके लिए खरीदी जा सकती थी, और अगर नापसंद बोले तो वो रिजेक्ट हो जाती थी। जो फलकनुमा पैलेस है, जो हैदराबाद का सबसे फेमस पैलेस है, वो भी उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से अक्वायर किया था। महबूब अली पाशा के कार्यकाल के वक्त एक बहुत भयानक घटना घटी हैदराबाद में, वो थी 1908 का मूसी नदी का बाढ़, जिसने इतने भयानक डिस्ट्रक्शन मचाया था हैदराबाद सिटी का। और ये कहा जाता है कि उस समय पंडितों ने निज़ाम को बोला था कि आपको नदी की पूजा करनी पड़ेगी, और जो वहाँ के जो कंजर्वेटिव मुस्लिम क्लेरिक्स थे वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो मुस्लिम शासक है, आप एक हिंदू पूजा कैसे, नदी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तब महबूब अली पाशा ने वो पूजा की थी और कैसे, एक कहानी है कि उसके बाद उस पूजा के बाद मूसी नदी वापस अपने बहाव में चली गई एंड ऑल।
उस समय इतना डिस्ट्रक्शन हुआ मूसी नदी का कि एक नया हैदराबाद बनना शुरू हुआ, नया लेआउट बनना शुरू हुआ। सैडली 1911 में महबूब अली पाशा का निधन हो गया और उनके बेटे मीर उस्मान अली खान हैदराबाद की गद्दी पर बैठे। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी रूलिंग निज़ाम थे। उनके कार्यकाल में हैदराबाद का बहुत विकास हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हो जो हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने है, या फिर रेलवेज़ को बढ़ाया गया। उस समय हैदराबाद का अपना एक एयरलाइंस हुआ करती थी डेक्कन एयरवेज़ करके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जैसे निज़ाम शुगर मिल्स हो, या उन्होंने काफ़ी ज़मीनें दी बिरलास को इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए, चार मीनार बीडी हो, ऐसे बहुत विकास हैदराबाद का हुआ। तो मीर उस्मान अली खान से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो शायद भारत के सारे प्रिंसेस में से सबसे कंजूस थे और उनके कंजूसी के किस्से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लोग ये जस्टिफाई इस बात को करते हैं कि नहीं, वो तो ही वॉज केयरफुल विथ हिज मनी और वो चैरिटी को पैसा दिया करते थे, बट हमें इंडियन रिकॉर्ड्स में, हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, हमें हैदराबादी रिकॉर्ड्स में ऐसे बहुत किस्से मिलते हैं, जैसे कि वो फटी पुरानी शेरवानी पहनते थे, या उनके जो बाग में जो ओवर राइप आम थे वो भी बेचते थे। और एंड हमें इनफैक्ट अगर हम सच बताएं तो अगर हमने जो आसफ जाही रिकॉर्ड्स देखे हैं उसमें ये भी पता चलता है कि कैसे अगर कोई जागीरदार मर गया और उसकी औलाद नहीं है तो वो सारे पैसे, किस तरह से निज़ाम अपने तरफ लेकर गए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था उनके कैरेक्टर का। 1920s के बाद भोपाल की तरह हैदराबाद में भी एक पैन इस्लामिज्म का माहौल चला, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आई हैदराबाद में जिसका नाम था इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जो एक रिसर्जेंस ऑफ अ पैन इस्लामिक वर्ल्ड का रिसर्जेंस। अब ये जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसका एक निज़ाम के साथ एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रहा, बिकॉज अगर आप हैदराबाद की हिस्ट्री को स्टडी करें तो आपको ये पता चलता है कि मीर उस्मान अली खान को लगा कि हम ये जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और फिर बाद में जो आगे चल के रज़ाकार्स बने उनको हम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और वो बाद में उन्हीं पर जाकर उलट गया। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो टर्की के सुल्तान हैं वो इस्लाम के खलीफ माने जाते थे, और ये जो खिलाफत है द कैलिफेट वो अबॉलिश हो गई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब निज़ाम का ये सपना था कि बिकॉज वो दुनिया के सबसे अमीर इस्लामिक शासक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे 1920s और 1930s में, कि उनके वंशज खलीफाए इस्लाम बने। तो उनके मीर उस्मान अली खान के दो बेटे थे, प्रिंस आज़म जा और प्रिंस मुअज़्ज़म जा। इन दो बेटों की शादी उन्होंने जो टर्की का राज परिवार है, ऑटोमन जो परिवार है, उनसे करवाई, और उनकी बहुएं थी प्रिंसेस दुरुशेवार और प्रिंसेस निलोफर, वो इसी परिवार से थी। और उनका सपना था कि मेरे जो वंशज है वो आगे चल के इस्लाम के खलीफ बनेंगे। तो ये दो टर्किश बहुएं हैदराबाद में आई, विच वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हम बोल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और जब भारत आज़ाद होने वाला था, निज़ाम और मोहम्मद अली जिन्ना की कभी बनी नहीं, बिकॉज निज़ाम के अपने एक बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट था और मोहम्मद अली जिन्ना कुड नॉट स्टैंड ये एक फ्यूडल आदमी को, तो उनकी कभी बनी नहीं। पर 1947 में जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा तो मीर उस्मान अली खान को ये लगा कि हम नाइदर पाकिस्तान ना भारत ज्वाइन करेंगे, हम अपना एक अपना मुल्क बनाएंगे जिसे हम उस्मानिस्तान कहेंगे, यू नो, नेम्ड आफ्टर हिमसेल्फ उस्मान अली खान। इट वॉज एक मेगालोमेनिया हम उसे बोल सकते हैं, और जो वो इस्तेमाल करना चाहते थे रज़ाकार्स को, पर वो पासा उल्टा ही पलट गया और
सिचुएशन वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल। जो रजाकार्स थे काजिम रिजवी के अंडर, उन्होंने जो हैदराबाद की जनता है उस पर बहुत अत्याचार शुरू किया। सरदार पटेल और जो नेहरू है उन्होंने बहुत कोशिश की कि हैदराबाद को कि हैदराबाद के निज़ाम एक्ट ऑफ एक्सेशन साइन करे और भारत ज्वाइन करे, पर हैदराबाद ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपना मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक अपील डाली थी। उन्होंने जब कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट चला तो उन्होंने काफ़ी पैसा पाकिस्तान को भेजा। न सिर्फ ये, देर वर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान से आर्म्स और एमिनेशन हैदराबाद में उतारा जा रहा है, और ऐसी काफ़ी घटनाएं उस समय हुई। तो बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि इनफ इज़ इनफ। इनफैक्ट उन्होंने हैदराबाद स्टेट को अल्सर इन द बेली ऑफ इंडिया कहा था, और उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज भेजी हैदराबाद को रिकैप्चर करने के लिए। और काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी जो रजाकार्स हैं वो मारे गए, हैदराबाद पर बॉम्बिंग हुई, और उसके बाद फाइनली चल के हैदराबाद सरेंडर्ड अनकंडीशनली और हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद एज अ जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद का राज प्रमुख या गवर्नर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर बनाया। अब लोग ये बहुत उंगलियां उठाते हैं नेहरू पर कि उन्होंने एक तरफ जहां पर महाराजा हरी सिंह हैं कश्मीर के, उनको गद्दी से कश्मीर से निकलवा दिया था, और यहां पर एक शासक थे जिन्होंने भारत के साथ जंग की थी और उनको फिर भी ही वॉज ट्रीटेड सो लीनियंटली, पर ये सच बात है और ये उस समय हुआ। उसके बाद मीर उस्मान अली खान 1967 तक हैदराबाद में ही रहे, उन्हें प्रिवी पर्स मिली। उनका निधन होने के बाद उनके जो पोते हैं मुकर्रम जा, वो हैदराबाद के अगले निज़ाम बने। आज मुकर्रम जा टर्की में रहते हैं, इस्तांबुल में रहते हैं, और उनके जो महलात हैं, अभी फलकनुमा पैलेस है वो होटल बन गया है, चाव मोहल्ला है वो म्यूज़ियम है, वो उनकी जो बड़ी बेगम है प्रिंसेस एज़रा वो संभालती है। निज़ाम की जो बेशुमार दौलत थी वो तो काफ़ी अभी घट चुकी है, उनके जो हीरे जवाहरात थे वो काफ़ी बिक चुके हैं, उसमें से बहुत एक आई थिंक 1% जो है वो भारत सरकार ने अक्वायर किया है। पर फिर भी हैदराबाद सिटी जो है वो निज़ाम और आसफ जाह डेनेस्टी के साथ जुड़ी हुई है, और इनफैक्ट भारत का इतिहास भी जो निज़ाम और आसफ जाही डिनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये थी कहानी हैदराबाद रियासत की।